प्रकृति की होने वाली विराट परिवर्तन क्रिया की घटना को हम विनाश के रूप में देखेंगे। विश्व की समस्त आत्माओं को परमात्मा धर्मराज के रूप में फिर से शुद्ध बनाकर वापस घर ले जाएगा। लेकिन वास्तव में ये विनाश नहीं है, ये स्वर्णिम सृष्टि की संरचना का उदय है। ये सृष्टि हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू घूमती रहती है। एक ओर सारी मानव जाति उस ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में ढूंढ रही है तथा दुनिया के सारे वैज्ञानिक संशोधन कर ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर परमात्मा मनुष्य आत्माओं को आने वाली नई सृष्टि का उपहार देने आया हुआ है। मनुष्य आत्माओं की पवित्रता इस ब्रह्मांड की ग्रेविटी को नियंत्रित करती है। ये सत्य सारी दुनिया को मानना पड़ेगा, लेकिन वर्तमान समय में मानव अपने इंद्रियों और सुख साधनों में इतना खो गया है कि वो इस सत्य को बार बार ठुकरा देता है। जिस प्राचीन राजयोग को सीखने की चाहत सारा संसार करता है, उसी राजयोग को सिखाने के लिए स्वयं सर्वोच्च परमात्मा शिव इस माउंट आबू की धरा पर आकर सारे विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए हरेक आत्मा अपना उपहार उस परम पिता परमात्मा से लेकर स्वयं को ईश्वरीय शक्ति से भरपूर करे, जिससे इस पृथ्वी पर आने वाली स्वर्णिम सृष्टि